आइए जानते हैं खबरों के बारे में विस्तार से। झरिया के सुदामडी कोयलरी के अंतर्गत फायर पेज के ब्लास्टिंग का काम जनता मजदूर संघ बच्चा गुट के असंगठित की ममता सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ब्लास्टिंग के काम को ठप कर दिया और विरोध प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि बीसीसीएल प्रबंधन हम लोगों के साथ भेदभाव कर रहा है और नियम के विरुद्ध ब्लास्टिंग कर रहा है, जिससे हम लोगों का घर दहलता है, फिर पत्थर हम लोगों के घर के ऊपर गिरता है, जिसके कारण हम लोगों के साथ काफी बड़ी घटना घट सकती है। प्रबंधन तत्काल हम लोगों का विस्थापन करे, तभी ब्लास्टिंग करे। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि कल के ब्लास्टिंग में एक महिला बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो गई है, जो हृदय रोगी मरीज है। ग्रामीणों का कहना था कि बीसीसीएल प्रबंधन तत्काल हम लोगों का विस्थापन की व्यवस्था करे, तभी ब्लास्टिंग करे, नहीं तो हम लोग चक्का जाम कर देंगे एवं आंदोलन करने को बाध्य होंगे। एरिया 11 मतलब इजी एरिया में जिस तरह से बीसीसीएल के द्वारा यहाँ के विस्थापितों के साथ अन्याय किया जा रहा है, इसका विरोध गांव के लोगों ने किया है और ये किसी भी कीमत पर बीसीसीएल का मनमानी हम लोग नहीं चलने देंगे। जबरन किसी का जमीन काट ले, माफिया के बदौलत, राइफल और बंदूक के बदौलत अगर चाहे कि हम काम कर ले तो ये संभव नहीं है। अगर विस्थापित लोगों का अगर जमीन जा रहा तो उन लोगों का अधिकार मिलना चाहिए, सब जगह पे मिल रहा है, यहाँ पे भी मिलेगा। और ये इसी विषय को लेकर यहाँ के जीएम से बात हो रही थी तो जीएम ने भी स्वीकार किया कि जमीन इन लोगों का है, 87 में भी इन लोगों का डिग्री हो चुका है जमीन में, उस पर जबरन काम किया जा रहा था, तत्काल उस जमीन पर काम को रोका गया है। और ये अस्वस्थ किए हैं जीएम साहब कि हम लोग बहुत जल्द इसका एक बैठक की करके गांव के लोगों को जो नियमित मिलना चाहिए वो जरूर मिलेगा। 87 वाला अभी बात खत्म, 87 के बाद में 87 में जब इनको जजमेंट मिला, 87 इनका पक्ष में हुआ था, तो मतलब 87 तो मैं ये बात हम लोग समझ गए हैं। हम जो बोल रहे हैं थोड़ा सा कि हम लोग को उनके नाम से जमीन चल गया, ये 87 के बाद में फाइनल उनको मिल गया, ये सेटलमेंट के विभाग से जो इनको मिला है इसमें कोई दो मत नहीं है। पर हम लोग को वो बोलना है कि ये जो जगह है, जो जगह पे हो रहा था वो पहले से काम किया हुआ, ये 72 से पहले का काम है। गांव वाला के साथ क्या कर रहा है, आश्वासन देके भरोसा देके कि